जनाब आगाज में हमने मौसम का कुछ जिक्र किया था, तो हमने कहा जरा डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानसून का हैवी स्पेल चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुका है, उस वजह से मूसलाधार बारिशें जारी हैं। बारिश कहीं पर रहमत कहीं पर जहमत रहमत है। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जहाँ बहक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से नशेबी इलाके डूब गए हैं और जहाँ मौसम खुशगवार हुआ है कराची में बारिश से, वहीं सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। सारी सूरत हाल क्या बन रही है, आगे कब तक बारिशें होनी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जाहिद अब्बासब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो स्पेल चल रहा है, ये आखिरी स्पेल है मॉनसून का या इसके बाद भी है कोई स्पेल? देखिए, ये तो अभी जो मॉनसून का स्पेल है और ये बड़ा स्पेल है और ये बे ऑफ बंगाल से सिस्टम बन के आया है, तो ये पहला सिस्टम है जो इस साल का जो किसी समुद्र में बना है। और वरना ये होता है पहली जो है मगरबी हवाओं के तहत बारिशें होती हैं, लेकिन वो उसमें से इतनी मकदार में और इतनी शिद्दत में और इतना बड़ा फैलाव नहीं था। तो अब ये चल रहा है, तो ये अभी कल तक इसकी तो रहेगा इन इलाकों में। उसके बाद ये कि अभी तो ये 30 सितंबर तक, अभी तो 2 महीने बाकी हैं तकरीबन, तो ये मानसून का जो पीरियड होता है 1 जुलाई से लेकर एंड ऑफ सितंबर तक होता है। तो अभी तो इसमें से है, लेकिन खास तौर पे जो है अभी 30-35 दिन तो इसके जो मेन है मानसून के वो हैं। तो अगस्त का महीना तो पूरा जो होता है मानसून के कोर पीरियड होता है, तो उसमें तो अभी तो सिलसिले आएंगे और इसमें से बारिशें जो हैं, जैसे इस साल की हमारी पूरे सीजन की प्रेडिक्शन थी कि जो हमारा साउथ पंजाब और सिंध में जो है बारिशें नॉर्मल से ज्यादा होंगी और नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो है कश्मीर और उनमें भी ज्यादा होंगी, तो वो अभी भी नॉर्मल से ज्यादा होगी। अभी आने वाले दिनों में अच्छे और बल्कि थोड़े खतरनाक स्पेल भी एक्सपेक्टेड है अगस्त में। तो शाहिद साहब, इंटीरियर सिंध के हवाले से भी बता दें, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर भी शदीद बारिशों ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। जी बिल्कुल, देखें ये नवाबशाह और बाकी लाड़काना और दूसरों में जितनी उनकी बारिश एक महीने की होती है वो उतनी तकरीबन एक दिन में होगी। अगस्त के महीने की जितनी बारिशें हैं इस स्पेल में अक्सर शहरों में, वो पूरे अगस्त के महीने की जितनी बारिशें उससे ज्यादा बारिशें स्पेल में हो गई हैं। और अभी भी एक्सपेक्टेड है, जिस तरह 2022 में बेतहाशा बारिशें, इस साल भी बारिशें जो है नॉर्मल से ज्यादा है। शाहिद साहब, इस हवाले से एनडीए में और जो दीगर महकमे हैं उनको बरवक्त आगाह कर दिया गया है? जी, उनको तो हमने ये तो मई के एंड पे और जून के शुरू में ये फोरकास्ट हमने सीजनल दे दी थी और वो सारे जो अदारे हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस भी कर ली थी, सबको अलर्ट भी कर दिया था, अपने जो उनके स्टॉक्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रेस्क्यू के और रिहेबिलिटेशन के वो भी उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे और उनकी पूरी तैयारी है और कोऑर्डिनेशन में। और यहाँ तक कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी क्लाइमेटी या सिवियरिटी बनती है तो साथ वाले डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने कहा है कि वो उधर फौरी तौर पे जो सामान को उधर शिफ्ट कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बासब, सेगमेंट का वक्त हमारा खत्म हो गया।